हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, नंबर वन नंबर टू। आपको इनमें कोई सा भी एक नंबर चुनना है, फिर देखते हैं आपका जो ये बुरा वक्त चल रहा है कब तक ख़त्म होगा। सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेकर कोई भी एक नंबर चुन लेना है और फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं होती है तो प्लीज़ निराश बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि रीडिंग कनेक्ट नहीं होती है। क्योंकि देखिए, सबके भाग्य अलग होते हैं, भाग्य रेखाएं अलग होती हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर रीडिंग कनेक्ट हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। चलिए देखते हैं नंबर वन। हेलो नंबर वन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपका बुरा वक्त कब तक ख़त्म होगा। देखिए दोस्तों, ये जो अभी आपका वक्त चल रहा है, काफ़ी टाइम से आप काफ़ी परेशान हैं और लगातार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती जा रही हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अच्छा करते हैं लेकिन हमेशा बुरा ही हो जाता है, और काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा परेशानी आपको घेरे हुए है। तो बहुत बुरा वक्त इस वक्त चल रहा है आपका। तो देखिए, आज जिन्होंने नंबर वन चुना है आपके लिए, ये बुरा वक्त 2 से 3 महीने में बहुत जल्द चला जाएगा, मतलब बहुत जल्दी चला जाएगा। धीरे धीरे कर आपके सामने से ऐसा लगेगा कि हाँ, एक के बाद एक खुशियाँ आ रही हैं और एक के बाद एक खुशियाँ आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी और आपका ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी 2 से 3 महीने आपके लिए है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समय चल रहा है आपका, थोड़ा परेशानी भी बहुत आ रही है लाइफ में। तो बिल्कुल ये जो आपका बुरा वक्त चल रहा है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, 1-2-3 महीना मान लीजिए, जैसे कि आज से इस महीने से लगा लीजिएगा, और 3 महीने में आपका ये बुरा वक्त ख़त्म होने लगेगा। धीरे धीरे करके 3 महीने तक ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, अगर रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो नंबर आपने चुना है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर करनी है। जब आप कमेंट करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो आपके लिए भी अच्छी होती है और हमारे लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं जिन्होंने नंबर 2 चुना है उनके बारे में। तो हेलो नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप सबके प्यारे प्यारे लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए भी काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है, आप भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, और ख़ासकर लव लाइफ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपको आ रही हैं, और काफ़ी टाइम से ना परेशान है। परिवार में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ चल रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। लेकिन आने वाला जो समय है आपका, 1 से 2 महीने बहुत अच्छे हैं, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन 2 महीने का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि अभी आप पर बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस हो रहा है आपको भी, और बहुत बुरा वक्त भी चल रहा है। देखिए, हर चीज़ से परेशान है, चाहे सेहत हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, मतलब हर तरह से परेशानी इस वक्त आपको घेरे हुए है। एक के बाद एक परेशानी आपके सर पर आ ही जा रही है। कभी कोई बीमार हो जाता है परिवार में, तो कभी कुछ चोरी हो जाता है, कुछ चीज़ खो जाती है, मिलती नहीं है। इस वक्त इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 महीने हैं आप लोगों के लिए ये। तो ये 2 महीने अगर गुजर गए तो समझ लीजिए आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है फिर, क्योंकि 2 महीने तक ये सब धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाएगा और अच्छा समय आपका आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में आप जय माता दी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, जो नंबर आपने चुना है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर आपको करनी है। जब आप कमेंट करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो जनरेट होती है, जो आपके लिए भी अच्छी होती है और हमारे लिए भी अच्छी होती है। और दोस्तों देखिए, बिल्कुल भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी है। अगर आपने हिम्मत हार ली तो ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स आपको और ज़्यादा घेर लेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स के सामने आपको घुटने नहीं टेकने हैं, उन्हें फेस करना है, दुखी होकर नहीं बैठना है, अपने आप को टेंशन में भी नहीं डालना है। थोड़ा सा बुरा वक्त है, निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए, सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा। तो जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक करना है आपको, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, नमस्ते।